केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिडक्शन का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा। आज हम रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे, जिसको निस्ट्रॉम ब्राउन रिडक्शन भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। अगर हमने ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन समझ लिया और याद कर लिया तो आप कम से कम 80% रिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कब तक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, मतलब यह हाइड्राइड से रिडक्शन करेगा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर ऑक्सीजन हो, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन दिख जाए तो आप उसको अल्कोहल बनाओगे, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, अल्कोहल। और अगर उसमें नाइट्रोजन दिख जाए तो एमीन। अब डाउट आया कि पहले कौन सा, पहले हम नाइट्रोजन देखेंगे। अगर नाइट्रोजन हुई तो एमीन बन जाएगी, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हुए तो भी एमीन हमको मिलेगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर ऑक्सीजन से अल्कोहल बन जाएगा। थर्ड बात, ये कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि हम इससे अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना सकते। ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में या जेई में आ चुका है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने के लिए हम कौन सा रिजेंट यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पर अगर बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से फिनाइल रिंग अटैच हुई तो फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव न्यूक्लोफाइल प्रोड्यूस करता है, इसलिए एल्कीन का रिडक्शन इससे नहीं होता, एल्कीन और एल्काइंस का। लेकिन फिनाइल न्यूक्लोफिलिक भी देता है इसलिए उसका देता। अब ये सारे ही काम NaH भी करेगा, जिसको हम डार्जन रिजेंट कहते हैं। यही काम Na और C2H5OH भी करेगा, जिसको हम ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। यही सारे रिडक्शन NaBH4 भी करेगा, और यही सारे H2 निकल भी करेगा, और यही सारे रिडक्शन PD और C भी करेगा। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट, हम एग्जांपल करना शुरू करते हैं। हमने देखा हमारे पास एमाइड है और हमें एमाइड का रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा बच्चों, NH2 है ना, मतलब नाइट्रोजन है ना, तो एमीन तो बनना तय हो गई। अगर आप बहुत ही ढक्कन हो तो आप देख लो कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन वाली एमीन बन जाएगी। और ये बात नोटिस करो कि एमाइड में ये जो CO है वो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाए, ये NCERT में है। अब हम चलते हैं, हमारे पास फिर से नया एमाइड है और हमने देखा नाइट्रोजन है तो एमीन तो बनेगी बनेगी, और ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो आप देख सकते हो हमें सेकेंडरी एमाइड से सेकेंडरी एमीन मिल गई, और प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन, और अगर टर्सरी होता तो टर्सरी एमीन बन जाती। हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास है नया एग्जाम्पल साइनाइड। जब हमने इसको साइनाइड में अप्लाइड किया तो हमने देखा साइनाइड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो एमीन तो बनना तय है। अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो दो कार्बन वाली एमीन बनेगी, और अगर अपन टेक्निकल पढ़ते हैं तो देखो ट्रिपल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, फिर दूसरे इधर फिर तीसरे, तो इस तरह ये तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NH2 में कन्वर्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पलों की तरफ। तो हमने देखा साइनाइड ग्रुप से क्या बन गया, CH2NH2। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने देखा क्या इस एसिटाइल्डिहाइड का हमें LAH से रिडक्शन करना, इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, जब नाइट्रोजन है ही नहीं तो बच्चों फिर क्या बनेगा, अल्कोहल।
आपको कुछ नहीं आता तो कितने कार्बन इस एल्डिहाइड में हम देख सकते हैं, इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन वाला एल्कोहल बन जाए। हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखा एसिड, एसिड का रिडक्शन LiAlH से करेंगे, नाइट्रोजन है नहीं तो भैया क्या बनेगा, एल्कोहल, और कुछ नहीं आता तो कितने कार्बन वाला एल्कोहल, दो कार्बन वाला एल्कोहल। फिर हमने CH3COCl का रिडक्शन किया, तो CH3COCl से जब हमने रिडक्शन किया तो नाइट्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं तो हमको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल, क्या मिल जाएगा, एथेनॉल, क्यों, एसिटिल क्लोराइड में दो कार्बन। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ, क्योंकि कीटोन या तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो जब कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करके प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं, तो आप याद करें रखें कि कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल कॉम्प्लीमेंट्री, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनेगी। अब हम चलते हैं इसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में लगाने। हमारे सामने एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है और हमने इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया, तो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, तो इसने क्या किया, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, लेकिन ये इस एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन एल्कोहल में कर देगा। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एक अनसेचुरेटेड एल्कोहल बना लिया है, ये जेई के एग्जाम में आ चुका है। पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही रूल बताया था कि अगर अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड में फिनाइल रिंग हुई तो फिर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें, हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया है और जो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कब होगा, जब फिनाइल रिंग होगी। ये जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है और आरपीसी के बोर्ड के लिए भी, आरपीसी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ट्वेल्थ बोर्ड के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सारे रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH के जैसा ही काम करते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो H2 निकल का जो एक्स्ट्रा काम क्या है, बिल्कुल LiAlH के जैसा करेगा, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। तो देखो H2 निकल ने यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया और एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर CH2OH करना पड़ेगा, तो आप कॉपी में करेक्शन कर लें। अब हम चलते हैं, इसको तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही रिड्यूस कर देता है, तो H2 निकल तो कर ही देगा, क्योंकि H2 निकल कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, जबकि LiAlH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर फिनाइल रिंग हुई तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, कब, जब फिनाइल रिंग। तो बच्चों हमने इस वाले सेक्शन में क्या सीखा कि अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का LiAlH और H2 निकल से रिडक्शन। ओके, अब हम चलते हैं नए रिडक्शन की तरफ। नया रिडक्शन में हमारे पास एस्टर दिख रहा है। अब हम एस्टर का रिडक्शन LiAlH से करेंगे, तो हमने क्या देखा कि एस्टर में कार्बन कार्बन की चेन ब्रेक हो गई है, मतलब कंटिन्यू चेन नहीं है, तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा। अब एस्टर से दो अल्कोहल बनेंगे, एक अल्कोहल तो इस राइट साइड से बनेगा। तो अब बच्चे देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स में कितने कार्बन है, 2, इसलिए इससे हमें एथेनॉल बन जाएगा। अब इस एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2, तो इससे भी कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये सारे ही एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आए NaBH4 का फंक्शन भी बिल्कुल LiAlH के जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा माइल्ड है,
और बेसिकली हम इसको सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में यूज करते हैं, पर ये एस्टर को नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। NaBH4 कभी भी एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना, और एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। हम यहां पर देख सकते हैं LAH का रिडक्शन का ट्री चार्ट कि हमने LAH से किसी का भी रिडक्शन किया। देखो ये LAH हमारा सेंटर में रखा हुआ, हमने कीटोन का किया, तो अगर हम स्मार्ट बच्चे हैं तो हम कैसे करेंगे, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, तो हमें ये सब फालतू बातों का कोई जरूरत नहीं। अगर हमने एल्डिहाइड का किया तो प्राइमरी अल्कोहल का बन जाए, अगर हमने एपॉक्साइड का किया तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, अगर हमने साइनाइड एमाइड का किया तो एमीन बन जाएगी, अगर हमने एसिड का किया क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, अगर हमने एजाइड का किया नाइट्रोजन है तो प्राइमरी अमीन या जो भी अमीन बन जाएगी। एस्टर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दो अल्कोहल बनाएगा, लेकिन NaBH4 कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें हर हालत में आनी ही चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, और एस्टर को कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो सारे ही एग्ज़ामों में आ चुकी है, आ सकती है और आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो NaBH4 क्या नहीं करता, ये कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो हमने क्या देखा कि एसिटाइल्डिहाइड को ये एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा और एसिटिल क्लोराइड को भी टू कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पर क्या होता, एस्टर, तो उसको छोड़ देता, और अगर कीटोन होती तो उस कीटोन को ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। हम फिर से अप्लाइड करते हैं, फिर अनसेचुरेटेड अल्कोहल था, हमने NaBH4 से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया तो हमको अनसेचुरेटेड अल्कोहल मिल गया, क्योंकि ये दोनों ही रिजेंट बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं। अब आए एस्टर पर, एस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने दो अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, जबकि NaBH4 कभी भी एस्टर का रिडक्शन करता ही नहीं है। तो NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाइड्रोजन और निकल से जब हम किसी का रिडक्शन करते हैं तो ये बिल्कुल LAH के जैसा काम करता है। ये नाइट्रोजन हो तो अमीन बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो भी अमीन बना देगा, और खाली ऑक्सीजन हुई तो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देता है। तो हमने देखा इसने एमाइड के CONH2 पार्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीन में, या आप ये नोटिस रखें कि CO को CH2 में बदल देता है। सिमिलरली इसने क्या किया, सेकेंडरी एमाइड में CO को CH2 में बदल दिया, जिससे हमको सेकेंडरी अमीन मिल गई। इसने साइनाइड का रिडक्शन किया और साइनाइड के रिडक्शन से CH2NH2 बना दिया, CH2NH2 बना दिया। अब देखो ये छुपा हुआ है, तो एसिटाइल्डिहाइड से अगर H2 निकल का रिडक्शन करेंगे तो हम जानते हैं ये LAH के जैसा काम करेगा, और बच्चों क्या बनाएगा, इससे हमको मिलेगा एथेनॉल, और हम इसको देखते हैं। ये हमने देखा इसने एसिटाइल्डिहाइड को एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया,
एसिटिक एसिड को भी एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, एसिटाइल क्लोराइड को भी इसने एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसने कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, जो हमेशा होता है। अगर कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल भी बनेगा। अब हम देखते हैं एच टू निकल से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का रिडक्शन, ठीक है ना। जब हमने इस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो एच टू निकल ने इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया और इस एल्डिहाइड ग्रुप से एल्कोहल CH2OH बना दिया, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 से डिफरेंट है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में चाहे हम H2 निकल लें, चाहे हम NaBH4 लें और चाहे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, सारे ही केसेस में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप में हो जाएगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छे फंडामेंटल और ढक्कन कंसेप्ट बता सकूं।